हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट कुरकुरे। इसे बिल्कुल बाजार की तरह टेढ़े मेढ़े और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं कुछ खास टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने बच्चों के मनपसंद कुरकुरे ज़रूर बनाइए। इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा हम मार्केट से रेडी भी ला सकते हैं और घर में भी चावल को पीस सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप बेसन मिलाएंगे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा या गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1.5 कप पानी मिलाएंगे। इन सभी को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमें इसे ऐसे मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे। देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। सात से आठ मिनट चलाने के बाद ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू होगा और थोड़ी देर में हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। ये गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसे 4 से 5 मिनट ढककर पकाएंगे। देखिए, ये इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर ये हाथों पर चिपक रहा हो तो हम हाथों में थोड़ा तेल लगा सकते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा तेल लगाकर इस मिश्रण से छोटी छोटी गोलियां लेकर उसे टेढ़े मेढ़े कुरकुरे की तरह आकार देंगे। ये देखिए, ये आकार बन गया। इसे बाजार की तरह टेढ़ा मेढ़ा ऐसा आकार देने के लिए हम आगे ऐसा उंगलियों में इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। देखिए, लग रहा है ना बाजार जैसा टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे का आकार। और ये कितने सारे कुरकुरे बन गए हैं, जबकि अभी सिर्फ आधा ये मिश्रण हमने यूज़ किया है। यहाँ तक तो ये बहुत आसानी से बन गए। अब खास ट्रिक आती है इसे तलने की, वो मैं आपको अब बताऊंगी। हम पहले इसे तलने के लिए तेल गरम करेंगे। इसे एक बार चेक कर लेंगे हम छोटा सा डालकर कि ये गरम हुआ है या नहीं। उसके बाद हम सारे कुरकुरे इसमें डालते जाएंगे तलने के लिए। इसे तलने के लिए हमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो बाहर से तो क्रिस्पी बनेंगे लेकिन अंदर से वो नरम पड़ जाएंगे, और अगर हम लो फ्लेम पर तलेंगे तो ये बिखरने लग जाएंगे या हो सकता है इसमें तेल में डालते से ये टूट जाए। यहाँ हमने तले हुए कुरकुरे आपको दिखाए हैं। ये देखिए, ये लो फ्लेम पे तले थे और इनका शेप कैसा बिखरा बिखरा सा है, और ये वाले मीडियम फ्लेम पे तले हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छे बने, इनकी आवाज़ से ही एकदम समझ में आ रहा है ये कितने क्रिस्पी हैं। ये गरम है, उसी टाइम हम इसमें पास्ता मसाला डालेंगे। इसमें मैंने बाजार का रेडी जो पास्ता मसाला आता है टोमेटो फ्लेवर वाला, मैंने वो डाला है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो, ये रेडी है कुरकुरे। ये लग रहा है बिल्कुल बाजार की तरह। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने घर बनाइए और
वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।